अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, चौक चौराहों तक को सजाया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। जितनी सजावट मंदिर के भीतर की जा रही है उससे कहीं ज्यादा बाहर में किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर को सजाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी फूल मंगाए गए हैं। इनमें कई विशेष तरह के भी फूल हैं जो राम मंदिर की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। राम मंदिर के भीतर चल रही सजावट की कई तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अलग अलग तरह के फूल नजर आ रहे हैं। मंदिर की सजावट के लिए 50,000 किलो से ज्यादा फूलों को अयोध्या लाया गया है। मंदिर के खम्भों को फूलों से सजाया जा रहा है। ये फूल देश के कोने कोने से आए हैं। सजावट में गेंदे के फूल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाल, पीला, हरा और नीले रंग के फूल इस्तेमाल किए गए हैं। फूलों की सजाने के साथ मंदिर के भीतर के हर खम्भों पर की गई लाइटिंग भी जबरदस्त लग रही है। अलग अलग पिल्लरों को अलग अलग तरह की लाइटिंग से सजाया गया है। मंदिर के भीतर की डिजाइन के मुताबिक ही फूलों को लगाया जा रहा है ताकि मंदिर की भव्यता नजर आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। ऐसे में मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।